देखो हर्ष ने कोई जाने कौन कर तो आज करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन रहे हो, युवा को आइकॉन बन रहे हो हर्ष। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर मैं किसी को अपना आदर्श मानता हूं, अपने शहीदों को मानता हूं, तो सरकार का क्या है, सरकार ने हमेशा ब्लेम करना होता है। आप जाके उनकी गुलामी शुरू कर दो, मैं आज भाजपा को ज्वाइन करूंगा अपने हरियाणा में, कल से मेरे पोस्टर बड़े बड़े लगेंगे, दूध का दूल्हा हुआ है, एक सेकंड में हो जाऊंगा। तो ये सरकार की नाकाम कोशिशें होती है इंसान को रोकने के लिए, उन्होंने जंजीरें बना रखी गुलामी की, जो गुलामी वालों के तलवे चाटना ना, उससे अच्छा संघर्ष करना, संघर्ष में चाहे जान चली जाए। अब कल है, कल हरियाणा सरकार ने, कल 4 तारीख है, मेरे ऊपर कोई मुकदमा लगाया है, कल मेरे को पेश होना है SC ST एक्ट का। ये होता है किसी को जाति सूचक शब्द बोलना। आप पिछले 10 साल से मेरे कार्य पे नजर मार के देखना, मैंने आज तक कोई जाति सूचक शब्द क्या, मैंने आज तक ये शब्द भी नहीं बोला मैं किस जाति से आता हूँ। उसे दूसरा ये है, जिसने मेरे पे केस डाला मैं उसको जानता नहीं, आज तक उससे मुलाकात नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। अब जैसे ही ये इस केस में कल क्या होता है पता नहीं, शायद अंदर डालेंगे तो 3 से 4 महीने में जमानत होगी, फिर इससे अगला दिन 5 तारीख, 5 तारीख में एक केस और लगा रखा है सोनीपत के अंदर। वो जो केस है सरकार का, उसमें ये है कि मैंने किसी का प्लॉट कब्जा लिया, किसी पे फिरौती मांग ली, 16-17 हथियार वाले लड़के रखता हूँ, 20 लड़के मैं एक साथ वैसे रखता हूँ गुंडे टाइप के, मेरे पास जितने बच्चे रहते किसी पे कोई केस नहीं है। छोटा मोटा केस तो देखो आप पे भी होगा, मेरे पे भी होगा, कोई किसी पे लगवा सकता है, सामाजिक केस होता है, समाज का होता है। अब ना मैं उसको जानता हूँ जिसका मैंने प्लॉट कब्जाया है, ना ही मैंने आज तक ये पता मेरे पास हथियारों वाले बच्चे कौन रहते हैं, ना ही मेरे को ये पता वो प्लॉट था कहाँ जा कब्जाया। तो सरकार का क्या है, सरकार ने हमेशा ब्लेम करना होता है। आप जाके उनकी गुलामी शुरू कर दो, मैं आज भाजपा को ज्वाइन करूंगा अपने हरियाणा में, कल से मेरे पोस्टर बड़े बड़े लगेंगे, दूध का दूल्हा हुआ है, एक सेकंड में हो जाऊंगा। तो ये सरकार की नाकाम कोशिशें होती है इंसान को रोकने के लिए, उन्होंने जंजीरें बना रखी है, ऐसे नहीं फंसेगा, किसी के अंदर कोई कमी नहीं होगी तो उसको ऐसे फंसा लो। अर्ष भाई, इतना मुकदमा, झूठा मुकदमा, हिम्मत तोड़ने की कोशिश और लगातार कोई मतलब लांछन लगना, तो कठिन कठिन हिम्मत टूटा या और स्ट्रॉन्ग हो अर्ष की? देखो इन चीजों से हमें कहीं ना कहीं ताकत मिलती है, हिम्मत भी टूटती है, हिम्मत एक चीज को देख के टूटती है। हमारा समाज आज भी जागरूक नहीं है, हमारे समाज में आज भी जातिवाद है, हमारे समाज में आज भी भाईचारा नहीं है। जिन चीजों के लिए हमारे बुजुर्गो ने कुर्बानियां दी है, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ 1947 में 6,32,000 ऑन रोड आदमी शहीद हुए थे, 1,00,000 आदमी ऐसे शहीद हुए थे, ऐसे गुमनाम थे जिनका नाम तक नहीं आया, 7,32,000 आदमियों ने हमारे लिए अपनी सद दी, तब जाके हम आजाद हुए, तब भी यही रोड़ा था। इससे पहले मुगल साम्राज्य था, मुगलों ने हमारे ऊपर जो अत्याचार करे, जो क्रूरता करी, उस वक्त भी हम एक नहीं थे, आम जाट ब्राह्मण लोहार खाती ऐसे जब तक लड़ते रहे हैं ना, हमारा विनाश होता रहा, हमारे पूर्वज हमारे बुजुर्ग हमने समझा मर लिए, जब तक तुम एक नहीं होगे तारा गुजारा नहीं होगा। पर पता नहीं आम जनता के दिल दिमाग में ये बातें क्यों नहीं घुसती। मैं एक आम इंसान से पूछना चाहता हूँ, जो बाल काटने का काम वो नाई ही करेगा, जो लोहे का काम उसको सबसे अच्छे से लोहार ही करेगा, जो हमारे लिए काट का काम उसको खाती ही करेगा, ठीक है, जो खेती का काम है, खेती बोने का उगाने का, मतलब कि जिसको जो कार्य सौंप रखे है ना, उस कार्य के कारण जाति की संज्ञा दी गई है, जिसके कारण हम एक दूसरे को जानते हैं कि इसका काम ये है। अब हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने ये संज्ञा तो दे दी बहुत पहले के टाइम पे, उससे आते 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 हम उस संज्ञा को नीचे उच्च मानने लग गए, ये निचली जाति से, ये उचली जाति से, हमारे को तो आज तक ये समझ नहीं आया जाति कौन सी नीची होती कौन सी ऊंची होती। इंसान अपने कर्म से अच्छा कहलाता है, इंसान अपने कर्म से बुरा कहलाता है। अगर आप किसी कितने भी लैंड लॉर्ड हो, चाहे आप राजा के बेटे हो, आपके कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो आपकी जाति कहां से ऊंची होगी। अर्ष भाई, आज की यूथ है और विशेषकर मुंशरी की जनता धारे प्रेम के ऊपर उमड़ रही है, क्या मैसेज देना चाहोगे? मुंशरी की धरती पर पहुंचे हो, क्या बोला? मैं सभी मेरे प्यारे बच्चों से, प्यारे भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारा गाँव है, गाम राम होता है, गाम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। हमारे माता पिता भगवान होते हैं, रियलिटी में भगवान वो होते हैं जिन्होंने जन्म देके हमारे को इस धरती पे जो लेके आए हैं, उनसे बड़ा कोई हमारे लिए भगवान नहीं। अपने माता पिता की इज्जत करे, सम्मान करे, आपके गांव के जितने साथी है सबके अंदर एकता हो, और आप जिस खेल को खेलने के लिए आए हुए, जिस खेल के लिए आज यहाँ पे ये जो पूरा हुजूम उमड़ रहा है, उन सब से एक शिक्षा जरूर ले, आपके गांव के अंदर एक ऐसी एकता हो, एक ऐसी खेल भावना हो, जो आपसे छोटे हैं, यूथ हैं, वे भी आपसे सीखकर नशे से दूर होकर इसी लाइन में जाएं।